दोस्तों, मैं हूं अभी मक्कम मालिका। वीडियो में यहां से मोमेंट्स ले जाना चाहता हूं। मेरे साथ है चंद्र प्रकाशी, जो अपने घर का जो एक हाल बयां कर रहे हैं कि कैसे गुजारा रहता है। कुछ टाइम पहले इनका काम अच्छे से चल रहा था, अभी कुछ टाइम से कब से नहीं चल रहा है, थोड़ा सा बता देंगे हमारे व्यूवर्स को। काम तो साफ पूरा हो गया, ये मेरे तो पूरा साल ही हो गया, पूरा साल ही हो गया। लॉकडाउन से बिल्कुल बेकारी हो गया काम, लॉकडाउन के बाद काम। हाँ, लॉकडाउन के काम तो बिल्कुल बेकारी हो गया। काम ही सारे बंद हो गए तो फिर क्या करोगे? सारे काम ठेके पर उठा दिए गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की बस की है नहीं। ये तो सही बात, समझे नहीं? मोदी जी की बस की नहीं है जो सरकार चला ले, क्योंकि मोदी जी खुद दम नहीं है कि देश कैसे चलता है, और पार्टियों को बेईमान बताती हैं कि राहुल जी ऐसे हैं, कि मोदी जी, ये अखिलेश जी ऐसे हैं, कि मायावती ऐसी है। उनके राज्य में फिर भी बंदा सुखी था, इन्होंने तो लोगों का धंधा ही चौपट कर दिया सारा। आज गरीबों को जो कांग्रेस थी, किसी ज़माने में कांग्रेस ने लोगों को ज़मीनें दी थी, सारा वो ज़मीनें आज जो छीन लिया है, घर से निकाल के भगा रहा है। गरीबों ने उसमें पैसा कमा कमा के बने मकान बनाया, आज मोदी जी उसे बिल्डोर से चला रहे हैं। पानी नहीं मिलेगा तो क्या करें? बेरोजगारी है, क्या है? मैं चाहता हूँ ये अभी तो आदमी को काम मिलता है तो पैसे कमाने की उसकी इच्छा करती है, जब काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? सही बात है। ये तो तुरंत बंदा यही काम करेगा कि जब उसका मेहनत पेट नहीं भरेगा तो वो चोरी करेगा, लोगों को मारेगा, लूटेगा, खसूटेगा। सही वही आजकल की कमाने में हो रहा है। इनका काम है ये, देखो मंडी से उठाते हो आप सब्जी, और खेतों से भी, मेन ज़्यादातर आप खेतों से उठाते हैं, ये ना खेतों से अपनी सब्जी उठा देते हैं। और देखो 3 दिन पहले इन्होंने कितने गुच्छी उठाया था हमने? 15 गुच्छी उठाया हुआ है, और आज दिखाना, थोड़ा सा डिस्प्ले करके दिखाओ। इन्होंने 15 गुच्छी मूली खरीदे थे, और आज इनके पास 3 बचे हैं आफ्टर 3 डेज़। 3 दिन के बाद अभी 3 गुच्छियाँ और भी पड़े हैं। तो 15 गुच्छी में से 2 गुच्छी अच्छा मतलब खराब हुए हैं वो? दोनों को पड़ी। अरे रे रे रे, 5 गुच्छी अभी बचे हैं। 1 2 3 4 जो है 2 6 ये इनकी वाइफ हैं, क्या नाम था आपका? संतोष जी। तो इन्होंने अपने जो घर का एक बताया है कि किस तरीके से इनका घर गुजारा होता है। बंदी सब जगह है भाई साहब, काम की बंदी बहुत सारी जगह, कोई काम नहीं है ये समझ लो। और 3 बच्चे आपके है ना? हम तो दिल्ली भी देख आए, मगर वहाँ पे समझ में नहीं आया, हम चले जाएंगे। यहाँ काम नहीं है चंडीगढ़ में, है ना? देश में देखो काम बहुत रुका पड़ा है, बहुत मुश्किल से काम चल रहा है, लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल है। डे बाई डे जो ये बता रहे महंगाई, सरकार के लिए जमीन नहीं, जमीन नहीं है, तमाम दुनिया को मारना जंगल पड़ा है, मोदी जी को यहाँ गरीब रो रहे हैं, वहीं पर जगह खाली मिलेंगी इनको, जब तुम दे नहीं सकते तो ले रहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना बैठा है, जिंदगी गुजरी मूवी बेचते बेचते, हम अपना परिवार नीचे नहीं चला पा रहे। ट्रेन में पहले जाते थे तो सारा टिकट था 120-130 रुपए का, हमारा चंदोशी का आज 200-250 रुपए का टिकट है। ये परिवार में दीदी आप कहाँ से? देखो कितना आक्रोश है, कितना आक्रोश है दिलों में, लोगों के दिलों में। देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मोदी जी और बनना तो देश हमारा खराब हो जाए, या कमेटी वाले उठाएंगे या डिस्पोजर वाले उठाएंगे। ज़्यादा मोदी जी का नाम पहले डिस्पोजर गरीबों के लुटवा रहे, फैक्ट्रियों पर छापा मारो ना। अरे बोलो गरीब आदमी कोई भी सब्जी बेचेगा, किसी में बेचेगा, किसी से बंद कराओ। गरीबों को क्यों मार रहे तो मैं तो ये कुछ साला लुटेरा खाओ जाते हैं यहाँ पर हर रोज डेली। गरीबों से उसने 1 लाख रुपये ले लिया यहाँ पे, और कोई एंटी कैरी वाला नहीं है कहाँ भी, इसको कहीं हटाओ इसको, नहीं तो लूटना तो भेजिए फैक्ट्रियों में जा, कंपनियों में जा बड़ी बड़ी, जब ऊपर से सरकार भेज रही है के लिए भेजो फिर लूटो ना, भेजो फिर लूटो, ये कराती तो सरकार ही है। सही बात है, तो हम तो कर लेंगे, गरीबों से क्या करा, कहीं भी छप्पड़ मार के खींच सकते हो। दुखी हैं लोग सब, बहुत ज़्यादा भाई, आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा। किसी की सरकार थी जिसने, उन्होंने दिया नहीं तो लिया भी नहीं, इसने सर दिया भी 1 रुपये दिया तो 10 रुपये छीन आई इन्होंने, और लगा लो सिलेंडर 260 रुपये का, आज नहीं तो मोदी जी का फिर पेट नहीं भर जाएगा कि भाई जो 1100 रुपये का सिलेंडर है। पेट्रोल इतनी कम चीज़ आ रही, पेट्रोल भी आ रही है, आसमान चोरी है वही तो, उसमें भी लोग चोरी कर लेते हैं वही तो, कहाँ चलाएगा गरीब आदमी बताओ? ज़्यादा मैं एक भी चलाता हूँ 2 दिन खाली करता हूँ, चलाता हूँ 2 दिन खाली करता हूँ, जब इसको लेकर जाऊँ तो 100 रुपये का तेल चाहिए इसमें, कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल। तो ये कह लो ये गाड़ी बहुत कम खाती है, और बच्चों को पढ़ाना भी है, पढ़ाना लिखाना। मतलब भाषा जी कह लो कि मैंने साल में गेहूँ लेकर डाल देता हूँ बच्चों को, ना जैसे मर्जी, तो अपना गुजारा कर रहा हूँ। अरे रूम के बाहर ये देखिए हमारी सब्जी बेचने वाले आ गए, मैं तो कुछ और लेके आया था, पर एक चीज़ यहाँ बात छेड़ रहे थे लोग, तो यार छेड़ते छेड़ते मैं भाई से बात कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें पूछता हूँ इनसे। क्या नाम आपका? अजय कुमार। अजय कुमार,
और मैंने बहुत कम देखा आपको यहाँ पे आते हुए। डेली आते हो इधर भाई, एक मिनट सुन ले, जब बिजनेस चला रहे हो ना, अरे पहले ध्यान देना होता है पहले काम, ठीक है, कि हमारी वजह से दूसरों को तंग ना होगा। सबसे पहले अपना सीधा करो, हम भी ऐसे हैं भाई। अच्छा तुम ये बताओ, तुम सब्जी बेच रहे हो, कब से काम कर रहे हो? सब्जी मेरे को गया 9-10 साल हो गए। टाइमिंग क्या रही तुम्हारी इस गली में आने की? सुबह शाम 7-8 बजे तक। अच्छा ठीक, देखो भाई का सब्जी देखो पहले फ्रेश फ्रेश है भाई, सब्जी तुम फ्रेश लेके आए हो, टमाटर भी फ्रेश है, सब चीज़ें फ्रेश है। अच्छा अच्छा, साठ का सामान लेके आओगे तो तुम वो बिकेगा बिकेगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि सारा चीज़ें अच्छी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यार मैं एक चीज़ जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, यार इतना मेहनत कर रहे हो, कितना कमा लेते हो महीने में? 12-13 हज़ार कमा लेते हो, मतलब अब ये बताओ आपका माल बिक रहा है, कट कटा के कितना बच रहा है? आप देखो मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो आपके जो लेवर सब, ठीक है, आप माल ले रहे हो मंडी से, माल भेज हो ना, तो आपका दिहाड़ी के हिसाब से ही जाएगा, ठीक है। तो आप कितना बचता है, कुछ चीज़ें बिक रहा है जैसे कि 10-15-20 किलो बिक गया दिन का, कुछ भी बिक गया 20 किलो का, तो आपको कितना पैसा जा रहा है उसमें, कितना बच रहा है? किलो में 5-6 रुपए बच जाता है, ठीक है। कम से कम ज्यादा ज्यादा एक दिन कितना किलो बिक जाता है हर चीज़ें मिला के, थोड़ा आइडिया कि दिन भर में कम से कम 50-60 किलो माल बिक जाता है? 6-35-300 रुपये तुम्हारा वैसे ही बना, मैं मिनिमम 5 नहीं, हर सब्जी में किलो में 5-6 रुपये बच जाता है, तो इस हिसाब से भाई का 6-6.5-3.5 रुपये तुम वैसे के माल, उसके ऊपर तुम्हारा अच्छा जा रहा है वो तुम्हारा प्लस। तो भाई यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि भाई का कहने का मतलब, जो एवरेज जो बंदा कमा लेता है 350-400 रुपये बंदे का, उसके ऊपर बंदा 600 रुपये कमा लेता है, कभी कभी 700 रुपये कमा लेगा, बट एक भाई और भाई का थोड़ा सा जो बातें जो मुझे पसंद आ रही थी जब ही कर रहा था, बन रहा है अपना कुछ बचत हो जाता है भैया? मत वो बता दिया आपको पूरी डिटेल, महीने में बचता मेरा नहीं 1500, कोई बच गया तो बच गया, घर में मम्मी पापा को पैसे देना नहीं है, उन्होंने घर बनवा अपना बच्चे पाल रहे, हमने दुकान घर में कर दी पापा के लिए, पापा बैठे हुए दुकान में। अच्छा अच्छा, कोई और उनको लेना देना हमसे कोई मतलब नहीं। चलो ठीक, कभी जरूरत पड़ी तो अगर 1500 दे दिया, अभी इसे बोले पैसे नहीं है खत्म हो गया, खेत में पानी लगाना है कुछ करना है तो दे दिया, नहीं तो कोई ज्यादा वो नहीं, बच्चे पाल रहे पढ़ा लिखा रहे। चलो बढ़िया, ठीक है भाई, अच्छा लगा मिलके, ठीक है। बाकी मेहनत भाई बहुत ज़्यादा मेहनत है तुम्हारी, और खाना बनाना है मुझे, मैं भी पहुँचा हूँ, ठीक है, मिलते भाई, ठीक है, करो ओके।